Hello students. Students, in our chemistry class, till now we have discussed almost half part of our second unit, which is electrochemistry. ठीक है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये वाला पोर्शन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सेकेंड यूनिट कवर करता है. ठीक है, आज हम जो है, हमें पता है कि सेल टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और नेक्स्ट है जो सेकंड पार्ट होता है, जो सेकंड टाइप होता है किसका, सेल का, क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. हमें पता था कि इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है. ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये क्या है, इसका ऑपोजिट है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करेगा. ठीक है, तो आज जो है हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. फ्रेंड्स, आप सभी जानते तो होंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है. हमने जो है पहले ही डिस्कस किया था कि ये वो टाइप होता है सेल का जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करवाता है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन करने में मदद करता है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में. ठीक है, जिससे हम केमिकल रिएक्शंस जो है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, जो नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन थी वो क्या थी, स्पॉन्टेनियस नेचर की थी, वो अपने आप से हो रही थी. बट इसमें जो है अपने आप से नहीं होगी वो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा रहे हैं उनको होने के लिए. ठीक है, रिएक्शन के होने के लिए. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होंगे. ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो मेनली किससे डिपेंड करता है, मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होती है उस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बेसिकली होती क्या है, और ठीक है, ये क्या होती है, डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट. ठीक है, ये होती है डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की. इट इज द डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट. ठीक है, कि डीकंपोज हो जाते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट है. मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये डीकंपोज होगी किसमें ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में. ठीक है, ये आयंस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. इसको बोला जाता है डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या होगा, जैसे इसके सोल्यूशन से क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाएगा, ये क्या कर जाएगा, कैटायंस और एनायंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, कैटायंस और एनायंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस की. अब जान लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस जो सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें कौन कौन से मेन जो है पॉइंट्स हैं उसके. ठीक है, यूजफुल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार. ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सबसे पहला तो वही है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. सेकंड पॉइंट क्या होगा कि
द ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड रिडक्शन अक्रॉस इन सेम सेल। ठीक है, एक सेम सेल के अंदर क्या होता है, एक ही सेल के अंदर क्या होती है, दोनों रिएक्शन होती हैं। ठीक है, क्या होती है, दोनों ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों ही एक ही सेल के अंदर होती हैं। ठीक है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल के अंदर दो ऐसे करके कंटेनर थे, लेकिन इसमें क्या है, एक ही कंटेनर होगा जिसको हम सेल बोल रहे हैं। ठीक है, उसी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, और दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो भी सेम कंटेनर के अंदर ही होंगे। ठीक है, ये इसके अंदर होगा, ये इसकी जो है मेन पॉइंट्स है, हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, और सेकंड इसका एक इम्पोर्टेंट चीज, एनोड उसमें क्या था, एनोड उसमें नेगेटिव था लेकिन इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैथोड क्या होगा, उसमें क्या था, नेगेटिव था लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, उसमें पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अब आप बोलोगे कि सर एनोड जो है नेगेटिव था वो पॉजिटिव कैसे हो गया, कैथोड जो है पॉजिटिव था वो नेगेटिव कैसे हो गया। तो बच्चों एनोड और कैथोड जो है ये उस पर डिपेंड नहीं करते कि टर्मिनल कौन से हैं, एनोड और कैथोड कभी भी टर्मिनल से जो है डिस्क्राइब नहीं किए जाते, एनोड और कैथोड डिस्क्राइब किए जाते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो होता है एनोड, और जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन प्रोसेस करवा रहा है वो होता है कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रही है और नेगेटिव टर्मिनल पे रिडक्शन हो रही है, लेकिन उसमें क्या था, हम लोन का फॉर्मूला कर रहे थे। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी था नेगेटिव भी था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है और ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे नेगेटिव है और रिडक्शन है, तो इसलिए जो रिडक्शन है रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैथोड होगा और ऑक्सीडेशन वाला एनोड होगा। ये हमेशा ही होता है बच्चों, इसको ऐसे ही ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव से कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, जो आयंस जो है इसमें लिबरेट होते हैं आयंस। ठीक है, जैसे हमने दो, एक जो है मान लेते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर क्या है, ये टू इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज कैथोड एंड सेकंड इज ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब एक बात आओ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव में कौन सा था, कैथोड था। ठीक है, और पॉजिटिव में कौन सा है, एनोड है। ठीक है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा, और ये वाला इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब जो है पहले एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। पहले क्या था, लोन वाले फॉर्मूले से हमें पता था कि जो नेगेटिव है उसके ऊपर ये ऑक्सीडेशन हो रही है, बट इसमें क्या है, पॉजिटिव के ऊपर यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन होगी। ठीक है, और जो है जैसे जो भी आयंस हैं वो लिबरेट होना स्टार्ट होंगे जब सॉलिड पार्ट बनाने के लिए एक्वस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएंगे, और ऐसे करके लिबरेट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऐसे करके लिबरेट होना स्टार्ट होंगे, तो जो लिबरेट होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। कहाँ पे, कैथोड पे जाएंगे, तो कैथोड पे जो लिबरेट होंगे आयंस उनको बोलेंगे कैटायंस। क्या बोलेंगे, कैटायंस, कैटायंस बोलेंगे। ठीक है, और एनोड की तरफ जो जाएंगे उनको बोलेंगे एनायंस। ठीक है, अब क्योंकि ये एनायंस हैं और ये एनोड की तरफ जा रहे हैं इसलिए इनको एनायंस नाम दिया गया है, लेकिन इनपे चार्ज कौन सा होने वाला है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अपोजिट चार्ज जो है
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज जो है रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है एनोड, इसलिए यहाँ पे एनायंस जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, कैथोड पे कैटायंस आएंगे, ठीक है, और इनका चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये होगा प्रोसीजर किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ये बेसिक जो है हमें याद रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर के अंदर होती है, ठीक है। एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होती है एनोड के ऊपर और रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर, ये हर एक सेल के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है। इसके अंदर और जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है कि जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो 2 या 3 आयंस हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे मान लो इसके अंदर NaCl है, फॉर एग्जांपल NaCl का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें पानी डाल दिया गया है, पानी के अंदर इसको रखा गया है, तो इसके अंदर वाटर भी होगा और NaCl भी होगा। तो NaCl जो है ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, वाटर जो है वो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे क्या है कैटायंस है और एनायंस है, सॉरी जो एनायंस है और कैटायंस है, ये भी क्या हो रहे हैं, दो दो आगे। यहाँ पे सोडियम भी, सोडियम का भी जो है क्या है कैटायन है, सॉरी एनायन है, और हाइड्रोजन का भी एनायन है, ऐसे ही क्लोरीन का कैटायन और OH नेगेटिव भी कैटायन वो एनायन है, सॉरी कैटायन है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब इनके बीच में होगा कंपटीशन, क्या होगा कंपटीशन, यहाँ पे लिबरेट होने के लिए यहाँ पे कंपटीशन होगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कहाँ पे, यहाँ आने के लिए, और इन दोनों के बीच कहाँ पे, यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच होगा यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे लिबरेट होने के लिए, और सोडियम और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे लिबरेट होने के लिए। अब कॉम्पिटिशन में जीतेगा कौन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जो देखो जहां पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है, रिडक्शन पे कहां पे हो रही है, कैथोड पे, ठीक है, किनकी हो रही है, जो कैटायंस है यानी कि पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, कैटायंस की हो रही है यहां पे, कैटायंस यहां पे लिबरेट कौन हो रहा है, कैटायंस लिबरेट हो रही है यानी कि पॉजिटिव वाली टर्म, ठीक है। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ही रिडक्शन होगी, वो ही यहाँ पे लिबरेट होगा इन, ठीक है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इस केस में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वही यहाँ पे लिबरेट होगा। इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए अगर हम रिडक्शन की बात करें, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा मेजर डिफरेंस लिबरेट होने के लिए, कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है अगर रिडक्शन वाली स्पीसीज है, अगर वो स्पीसीज है कैसी, ऑक्सीडेशन वाली, तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना ज्यादा लिबरेट होगा, उतना जल्दी उतना पहले लिबरेट होगा, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ यही लिबरेट होगा दूसरा नहीं होगा, वो होगा, लेकिन प्रेफरेंस किसकी होगी, जिसका जो है सॉरी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ज्यादा होगा, ठीक है, कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये होगा बेसिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, सम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है कि हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, दूसरा एनोड कैसा है, पॉजिटिव है, कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है, जो पार्टिकल्स लिबरेट होंगे एनोड पर उनको एनायंस बोलेंगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिवली चार्ज, कैटायंस होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो कैथोड पर लिबरेट होंगे। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल क्या है इसका, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, ठीक है, एग्जांपल है इसका प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर एट इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर कॉपर की जो प्योरिफिकेशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से की जाती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है CuSO4 का सॉल्यूशन होता है और वो क्या हो जाता है लिबरेट होना स्टार्ट हो जाता है, रिडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे ऐसे,
और वो क्या हो जाता है, प्योर कॉपर निकल के आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शेप का यूज, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड फैराडे ने, जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं महान फैराडे ने, उन्होंने इम्पोर्टेंट लॉ दिए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, फैराडे फर्स्ट लॉ बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देख लो, कि जो वेट लिबरेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज पे, ठीक है, यानी कि जो वेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, जो वेट यानी कि जो मास किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिबरेट हो रहा है किसके पास, किसी भी इलेक्ट्रोड के पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यू के, क्यू क्या है, चार्ज, ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा हम करंट पास करेंगे उतना ज्यादा चार्ज होगा और उतना ही ज्यादा मास जो है लिबरेट होगा, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। अब क्यू जो है हम पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्यू को कि क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी भी लिख सकते हैं, वेयर आई इज करंट एंड टी इज द टाइम, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो, क्योंकि करंट क्या होता है हमें पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है वही होता है करंट। तो यहां से अगर क्यू का चार्ज का फॉर्मूला निकालें तो यहां से डिवाइड में है, यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम, ठीक है, तो ये होगा फॉर्मूला क्यू का, यहां से आ गया। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, अब जो है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाना होगा, कांस्टेंट कौन सा आएगा, जेड आई टी, और इस जेड को हम क्या बोल रहे हैं, इस जेड को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसको जेड को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो कि एक कांस्टेंट है, किसको हटाने के लिए आया है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, ठीक है। अगर यहां से इसको मैंने डिफाइन करना हो जेड को, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की हमें डेफिनेशन लिखनी हो, तो हम कैसे लिख पाएंगे, अगर मैं करंट को 1 मान लूं, करंट को 1 एम्पीयर मान लूं और टेम्परेचर को 1 सेकंड मान लूं, ठीक है, एग्जांपल के लिए करंट को इफ आई इक्वल्स टू 1 एम्पीयर एंड टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, और या इसकी जगह पे क्या बोल दूं मैं, डायरेक्ट कर क्यू को ही बोल दूं कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज इज इक्वल्स टू 1 कूलम, ठीक है, तब उस केस में ये इक्वल्स टू 1, ये इक्वल्स टू 1, यानी कि W इज इक्वल टू जेड आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू जेड आ जाएगा, यानी कि मास लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इफ द टाइम, इफ द करंट इज 1 एम्पीयर एंड टाइम इज 1 सेकंड और चार्ज इज 1 कूलम, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्या बोलेंगे हम, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल इज 1 एम्पीयर इन 1 सेकंड, ठीक है, देन द मास लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन, इसकी जेड की, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहां से ये जो है इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो है लो है किसका, फैराडेज द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब जो है हम जानते हैं कि फैराडेज कांस्टेंट था एक, जिसकी हमने वैल्यू एफ की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 1 फैराडे की, 1 फैराड की वैल्यू क्या थी, 96500। तो ये देख लेते हैं एक बार कहां से आता है, ठीक है, देखो चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, कितना होता है, 1.6
इंटू 10^-19 कूलम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। अगर मैं बात करूं 1 mole of electrons, ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 mole of electrons पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन 1 mole of electron, ठीक है, चार्ज ऑफ 1 mole of electron, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10^-19, 1 mole के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 mole consists of 6.022 × 10^23, क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर, 1 mole of electrons के अंदर, 1 mole of electron के अंदर, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, 1.6 × 10^-19 कूलम इनटू 6.022 × 10^23, ठीक है, जो है ना। तो यहां से जो चार्ज आएगा टोटल 1 mole of electron के ऊपर, 1 mole of electron कंसिस्ट ऑफ कितना, 96500 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 mole of electron कंसिस्ट 96500 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, इतना चार्ज होता है 1 mole of electrons पे, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.022 × 10^23 होती है जो एवोगैड्रो नंबर से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये होगा इंपॉर्टेंट रिलेशन, हमें याद रखना है, ठीक है, इसका 1 mole of electrons के ऊपर कितना जो है चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ से इक्विवेलेंट मास भी आ सकता है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या होगा, वो मास होगा द मास ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लिबरेटेड व्हेन 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू सेल, ठीक है, यदि सेल से 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास करवाया जाए सेल के अंदर से, तो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किसके ऊपर, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये है जो फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। थैंक यू क्लास।